ओम श्री विद्याय नमः। तो सभी मेष राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, यानी कि नवंबर के महीने में कौन कौन से ग्रहों के बदलाव होने जा रहे हैं, उनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ने जा रहा है, इसी को लेकर के आज हमने ये वीडियो बनाई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले कि जो भी जातक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां जाएं और वहां पर नंबर है, वहां से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आते देखिए मित्रों, मेष राशि वाले सभी जातकों, नवंबर के महीने में सबसे पहले कौन कौन से ग्रहों का बदलाव होने जा रहा है उस पर एक बार चर्चा करते हैं। सूर्य महाराज 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में संचरण करने पहुंच जाएंगे, यानी कि उससे पहले 16 नवंबर से पहले सूर्य की स्थिति आपके सप्तम भाव में अपनी नीच राशि तुला में रहने वाली है। वहीं मंगल भी 16 नवंबर को ही वृश्चिक राशि में संचरण करने पहुंच जाएंगे, उससे पहले पूर्व मंगल महाराज भी सप्तम भाव पे अपने शत्रु क्षेत्रीय शत्रु राशि पर संचरण कर रहे होंगे। और बुध की स्थिति महीने में दो बार चेंज होगी, 6 नवंबर को ये वृश्चिक राशि में आएंगे यानी कि अष्टम भाव में, और उसके बाद में ये आपके भाग्य स्थान पर नवम भाव में चले जाएंगे धनु राशि पर। वहीं शुक्र की स्थिति भी दो बार चेंज हो रही है, शुरुआत में ही लगभग शुक्र 2 तारीख को कन्या राशि में संचरण करने पहुंचेंगे आपके छठे घर में, और उसके बाद में 29 नवंबर को ये तुला राशि में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो ये रहा नवंबर महीने में जो जो ग्रहों का बदलाव है वह मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा सभी मेष राशि वाले जातकों का। कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति ऊपर नीचे होने के कारण से अलग अलग, क्योंकि सब लोगों की जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति सेम नहीं होती, वो अवश्य ही अलग अलग होती है, इसीलिए राशिफल भी थोड़ा सब पे अलग अलग प्रकार से प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसलिए अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श अवश्य कराएं, उससे आपको पता लगेगा क्या प्रभाव हो रहा है। परंतु एक सिक्वेंस वाइज सभी राशि वालों पर स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका इस महीने, तो आपके जो लग्न के मालिक हैं यानी कि आपके प्रथम भाव के जो मालिक हैं मंगल माता, उनकी स्थिति इस पूरे महीने में देखें तो 16 नवंबर को ये वृश्चिक में आ जाएंगे, उससे पूर्व रहेंगे सप्तम भाव में अपनी शत्रु क्षेत्रीय राशि, परंतु केंद्र में रहेंगे। शुरुआत में आपको कोई बड़ी समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं मिलेगी, परंतु जैसे 16 तारीख में अष्टम भाव में संचरण करने चले जाएंगे अपनी स्व राशि पर, मंगल अपनी खुद की राशि पर जा रहे हैं, तो दोनों ही तरीके से आपको इस पूरे महीने में मिला जुला फल मिल सकता है, यानी कि स्वास्थ्य पर कोई बड़ी संकट बड़ी समस्या नहीं है। परंतु 16 तारीख के बाद जब मंगल की स्थिति अष्टम भाव में चली जाएगी, तब आपको हेडक, क्रोध ज़्यादा आना, मूड स्विंग, गुस्सा, चिड़चिड़ापन या पेट में दिक्कत या फिर किसी भी शरीर में किसी हिस्से में दर्द की समस्या जरूर हो सकती है। कुल मिलाकर मांसपेशियों से संबंधित जैसे थकान होना, शरीर में गिरावट होना, ये थोड़ी सी देखने के लिए समय समय पर मिल सकती है। दूसरा यह है कि छात्रों के लिए ये नवंबर 2023 कैसा रहेगा। तो छात्रों की बात करें तो पंचम भाव के मालिक सूर्य महाराज की स्थिति इस पूरे महीने में शुरुआत में रहेगी केंद्र में, उसके बाद में सूर्य भी चले जाएंगे अष्टम में। तो सूर्य की स्थिति भी ये दिखाई देती है कि इस महीने में आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पढ़ाई में आपका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित होने में समस्या जरूर आ सकती है, मोबाइल या ऑनलाइन चीज़ों में दिमाग जो है ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इसलिए आप उन चीज़ों से ध्यान हटा करके पढ़ाई के ऊपर फोकस ज़्यादा रखें। कुल मिलाकर के छात्रों के जिन लोगों के एग्जाम्स आने हैं या एग्जाम का कोई रिजल्ट आना है, तो उनके लिए मैं बताऊं, सूर्य की स्थिति जब तक सूर्य केंद्र में रहेंगे सप्तम भाव में आपके रहेंगे, तब तक कुछ पॉजिटिव नीच राशि के हालांकि रहेंगे सूर्य महाराज, परंतु कुछ हद तक पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिलवा सकते हैं। जैसे कि सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे 16 नवंबर से पूर्व, परंतु जिन लोगों का 16 नवंबर के बाद में कोई रिजल्ट है या कोई एग्जाम है या कोई इस तरह की चीज है, तो उनको थोड़ा सा सजग और सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है, यानी कि कुल मिलाकर के आपको तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी। वहीं बात करते हैं लव रिलेशंस की, क्या प्रेम भाव, क्या प्रेम से संबंधित चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए जैसे सूर्य यहाँ पर पंचम के कारक हैं, पंचम भाव के मालिक हैं, वहीं शुक्र महाराज की जो स्थिति और सूर्य की स्थिति दोनों डिपेंड करती है। अब देखिए अगर शुक्र की स्थिति शुरुआत में कुछ समय तक रहेगी षष्टम भाव में, परंतु उसके बाद में शुक्र 2 तारीख को कन्या राशि में आएंगे और उसके बाद 29 तारीख को तुला में आएंगे, यानी कि पूरे महीने में लव रिलेशन को लेकर के एक मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव जरूर रह सकता है, एक दूसरे पर किसी बात को लेकर के फाइट होना, मूड स्विंग होना,
कि व्यक्ति आपकी बात ना मान करके कुछ ऐसा कार्य करने लग जाए जो आपको पसंद नहीं, या आपका पार्टनर इस तरह की गतिविधियों में संलग्न होने लग जाए, वो ये तरह की इस तरह की समस्याएं थोड़ी सी देखने के लिए जरूर मिल सकती है। हालांकि शुक्र की स्थिति कन्या राशि पर इतने की भी निगेटिव नहीं कही जा सकती, परंतु छठा आठवां बारहवां भाव ये पंचम भाव के मालिक के लिए थोड़ा सा शुभ नहीं माने जाते, पर ऐसा नहीं है कि पूरा महीना आपके लिए खराब है, ऐसा नहीं। इस चीज को जानते हुए अभी आगे हम आगे का जो राशिफल है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो शुक्र की स्थिति है 2 नवंबर को कन्या राशि में, उसके बाद 29 नवंबर को तुला राशि में रहेगी। सूर्य नीच भाव में रहेंगे, यानी कि आपका आपके पार्टनर के साथ में मूड स्विंग होना, तरह तरह का व्यवहार चेंज होना, आपकी बातों को ना मानना, या आपके आपको कुल मिलाकर के एक सेटिस्फिकेशन का भाव ना होना पूरे महीने थोड़ा सा हो सकता है। हालांकि आपका और आपके जो पार्टनर है उसमें अटैचमेंट काफ़ी गहरा रहेगा, अटैचमेंट में पूरी मजबूती रहेगी, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि नापसंद आपको हो सकती है। इसी के अलावा बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्र की स्थिति देखना बहुत ज़्यादा। अब यहाँ दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये है कि सूर्य का प्रभाव भी सप्तम भाव पर रहने वाला है, 16 तारीख को ये वृश्चिक में जाएंगे, वहीं मंगल का भी 16 तारीख तक, यानी कि महीने के मिड में, महीने के मध्य भाग तक आपको दाम्पत्य जीवन में जैसे पार्टनर की हेल्थ खराब होना, पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर के कहा सुनी होना, अपने परिवार में आपको पार्टनर के मूड स्विंग को लेकर के व्यवहार चेंज में को परिवर्तन को लेकर के चिंता होना, ये थोड़ी सी समस्या जरूर देखने के लिए मिल सकती है। परंतु वहीं पर अगर 16 तारीख के बाद की बात करें तो वहीं मंगल की और सूर्य की स्थिति अष्टम भाव में चले जाएगी, यानी कि सप्तम भाव से प्रभाव हटा देंगे। तो कुल मिलाकर के महीने के मिड तक थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है, और महीने के मिड आपका फैमिली के लिए, आपके पार्टनर के लिए अच्छा रहेगा। इसी के अलावा बात करते हैं आपके भाग्य की, इस महीने भाग्य का सपोर्ट और सहयोग आपको कैसा मिलने जा रहा है, तो यहीं से हमारी पॉजिटिविटी भी शुरू हो जाती है। भाग्य की बात करें तो भाग्य भाव के मालिक है देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति की स्थिति इस पूरे अब पूरे साल में अब दिसंबर तक भी बृहस्पति की स्थिति आपके फर्स्ट हाउस में प्रथम भाव पर रहने वाली है। तो यहाँ एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में और केंद्र में जा रहा, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति का केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करने के कारण से आपके आपके कार्य में सफलता मिलेगी, आपके अधिकारों से संबंध अच्छे होंगे। इस महीने कोई आपका इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट पास हो सकता है, कोई इम्पोर्टेंट को महत्वपूर्ण आप व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमाना चाहते हैं तो वह चीज़ हो सकती है। वहीं अगर आपके चरित्र और चारित्रिक विशेषताओं की बात करें तो आपका कैरेक्टर, आपकी भूमिका, आपका रोल, जिस भी काम को आप करते हैं उसमें आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। भाग्य का सपोर्ट इस महीने दिखाई दे रहा है। इसी के अलावा बात करें करियर की, तो करियर के मालिक यहाँ पर मुख्य रूप से होते हैं हमारे शनि महाराज। शनि की स्थिति अभी 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, और यानी कि 4 नवंबर में शनि जैसे ही मार्गी होंगे तभी आपको शनि लाभ का और दशम भाव का करियर का फल देना प्रारंभ कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा एक समस्या महसूस हो रही थी सबको जब तक शनि वक्री हो रखे थे, और शनि वक्री ने बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाई पिछले कुछ महीनों में, परंतु अब क्या है 4 नवंबर से जब शनि मार के हो जाएंगे, अब आपको करियर में जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी और नौकरी प्राप्ति के लिए बेस्ट टाइम का भी इंतजार कर रहे थे, तो शनि महाराज की स्थिति अब आपको नौकरी भी प्राप्त करवाएगी। प्लस जो लोग नौकरी में पहले से हैं और उनको पदोन्नति, प्रोग्रेस या सैलरी इंक्रीमेंट संबंधित चीज़ों में दिक्कतें हो रही थी, उन लोगों के लिए भी अब कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ शनि दिलाने वाले हैं। वहीं बात करें तो स्टेबिलिटी वाली जॉब की, कि आप बात करें कि आचार्य जी कि हमारी कुंडली में हमारे योग इस प्रकार के हैं कि हम आप एक जगह से दूसरी जगह स्विच हो रहे थे, तो शनि कहीं ना कहीं से आपको एक स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले हैं, ये चीज़ें यहाँ पर पक्की दिखाई दे रही। जो लोग व्यवसाय के अंदर हैं, मैंने जैसे कि बताया सप्तम भाव में कुल मिलाकर के मिड तक सूर्य मंगल परेशान कर सकते हैं, परंतु वहीं जो दूसरा पार्ट रहेगा जब शुक्र की स्थिति लगभग 29 नवंबर को ही तुला राशि में आ जाएगी, अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, तो महीने के लास्ट पार्ट में यानी कि 16 तारीख के बाद से लेकर लास्ट तक में आपको कुछ ना कुछ अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। कार्य क्षेत्र पर प्रोग्रेस हो, आपका कोई नया व्यवसाय स्थापित हो जाए, पुराने व्यवसाय के अंदर आप कुछ फेरबदल चेंज करना चाह रहे थे, या किसी प्रॉपर्टी का या किसी महंगी वस्तु का आप उसको समावेशित करना चाह रहे थे, अपने बिजनेस में ऐड करना चाह रहे थे, तो वह काम आपका हो सकता है। वहीं आपके लास्ट पार्ट के अंदर यानी महीने के लास्ट पार्ट में आपको स्त्री पक्ष से व्यवसाय के अंदर लाभ हो सकता है, ये संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।
अब बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय आपको इस महीने करने चाहिए। तो सबसे पहले आपको मंगल के बीज मंत्र का ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। इसी के अलावा शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का प्रत्येक सोमवार को पाठ करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप पक्षियों को दाना अवश्य डालें और पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ जल का पात्र छत पर रखें, उससे आपके भाग्य में अचानक से वृद्धि हो सकती है। मित्रों, इसके अलावा अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, निश्चित तौर पर आपसे बात करने की प्रक्रिया आगे आरंभ हो सकती है। मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है उसको लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करें। ओम श्री विद्या।